दोस्तों, पुशअप के बारे में कौन नहीं जानता, बल्कि अक्सर लोग इसे आसानी से कर लेते हैं, परंतु पुशअप भी टेक्निक और गाइड में रह कर किया जाता है। कई व्यक्ति शुरू से ही पुशअप गलत लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी गलत तरीके से ग्रो होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, यह वीडियो खासकर उन बिगिनर्स के लिए हैं जो जल्दबाजी में पुशअप को गलत तरीके से लगाना शुरू कर देते हैं। तो आज हम सेट बाय सेट पुशअप के बारे में जानेंगे और उन गलतियों को भी बात करेंगे जिसे अक्सर व्यक्ति करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहला सेट है अपोजिट हैंड। आपको अपने दोनों हाथ अपोजिट रखने होंगे और आपको अपनी अपर बॉडी को उतना ही नीचे लेके जाना है जितना कि लोअर बॉडी जाती है। दोस्तों, पुशअप के हर सेट में कॉमन टास्क यही होगा कि आपको बैक साइड हमेशा स्ट्रेट रखनी होगी। दूसरा है पैरेलल हैंड। अक्सर व्यक्ति इसे आसानी से लगा लेते हैं, परंतु बहुत तेजी से लगाते हैं। यह एक गलत तरीका है। इसे उतना ही मीडियम रखें जितना आपकी बॉडी कंट्रोल कर सके। सबसे पहली बात तो यह है कि आपका एम यह नहीं होना चाहिए कि आप कितने सेट लगा रहे हैं, बल्कि यह होना चाहिए कि आप सेट लगा रहे हैं वो सही है या नहीं। तीसरा है अप एंड डाउन सेट। इसमें आपका मेन फोकस आपकी बैक साइड पर होना चाहिए, क्योंकि इस सेट में आपको बैक साइड को स्ट्रेट रखना होगा और इस सेट में आपको नीचे झुकते वक्त जितने हाथ जमीन पर रखे हैं उतने ही जाते वक्त रखने हैं, ताकि आपका बॉडी बैलेंस सही रहे। चौथा है क्लोज ग्रिप हैंड। इसमें आपको अपने हाथ पास पास रखने होंगे और ग्रिप इतनी मजबूत रखनी है कि आपकी बॉडी एक्स्ट्रा हिले डुले ना। इस सेट में आपको केवल आधा ही झुकना है और आपका पूरा लक्ष्य इसमें चेस्ट और शोल्डर में होना चाहिए। पांचवी है पुलिंग बॉडी। इसमें आपको अपनी बॉडी को पुश करना है केवल अपने हाथों और शोल्डर के बल से, ना कि शरीर के बल से। इसमें आपको अपनी बैक साइड एकदम स्ट्रेट रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना और चैनल पावर हाउस फिटनेस को सब्सक्राइब करना।